तो देखें जी, कार्लसरुहे एक बहुत बड़ा कैंप है उनका डॉयचलैंड में, जर्मन में, जिन लोगों ने असाइलम करना होता है। खाना बहुत अच्छा मिलता है, उसके बाद पैसे भी मिलते हैं। पैसे आपके जो नए नए लोग जर्मन में आ रहे हैं, क्या वो असाइलम कर सकते हैं या नहीं? यस, कर सकते हैं, कोई कुछ भी बोले, क्योंकि लोग डराने का धमकाने का काम करते हैं। अकोमोडेशन एक्सलेंट है, मतलब जो जर्मनी अकोमोडेशन देता है, जो जहाँ के रहने के लिए देता है, वो फाइव स्टार होटल कमरे से भी बहुत अच्छा है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज हम आपको बताने लगे हैं कि अगर जर्मनी में आपने असाइलम करना है, जिसको आप रेफ्यूजी भी बोलते हैं, तो वो आपने कैसे करना है। जैसा कि हमारे साथ है हमारे प्यारे भाई प्रदीप, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, और इन्होंने अभी नया नया ताज़ा इन्होंने असाइलम किया और इनको हाउसवाइफ भी मिल गई है। जर्मन में हम इसको हाउसवाइफ बोलते हैं, जिसको आप आसान लफ्जों में अपनी आईडी कार्ड भी बोल सकते हैं। तो आपको एक एक चीज बताने लगे हैं कि इन्होंने असाइलम कैसे किया, कहां कहां पे गए, और जो लोग भी आना चाहते हैं जर्मन में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग मुझसे ये कहते हैं कि अभी आजकल लोग जर्मन में असाइलम नहीं कर रहे, तो जनाब ऐसा नहीं है, एक एक चीज आपको बताने लगे हैं। अगर तो आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे हाय हेलो के साथ मैसेज करते हैं। तो यार, अपना क्वेश्चन भी बताया करो और मेनू एनजी प्यार से सपोर्ट करते रहो। तो एनीवे, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जनाब, हम डॉयचलैंड में है, स्टुटगार्ट में, और स्टुटगार्ट इज अमेजिंग सिटी बादन रूटनबर्ग में। तो जनाब, हर्जलिश विलकॉमन, थोड़ी जी जर्मन भी सीखिया करो, ओके? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम वेलकम। तो जनाब प्रदीप, आज आप लोगों को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हो कि यार, आपने अपना ये असाइलम का सफर कैसे स्टार्ट किया, कहाँ कहाँ पे गए, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के लोग मिले जिन्होंने आपको डराया भी कि जर्मन में असाइलम नहीं होता। तो एक एक चीज जरा लोगों को बताएं, जिससे लोगों की हेल्प हो जाए, और ये भी बताएं कि आप इंडिया से कहाँ से हैं। सो हियर वी गो। मैं इंडिया से, मुंबई से हूँ। सलाम तो कर लो। नमस्ते। नमस्ते भाई। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ओके। और दूसरी चीज है कि मैं इंडिया से जब मेरा सफर चालू किया, तो मैं डायरेक्टली आया ग्रीस में, ग्रीस से मेरा सफर हुआ जर्मनी तक। ओके। और जर्मनी तक ऐसा सफर हुआ कि कुछ लोग मिसगाइड भी कर रहे थे कि जर्मनी असाइलम नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, लेकिन ऐसा मेरे साथ भी हुआ। जब मैं सलमान भाई के कॉन्टेक्ट में आया इंस्टाग्राम से, उनको मैसेज किया, उनको बोला कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सलमान भाई को जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई भी दिया और एक एक चीज़ गाइड की, और उन्होंने बोला कि आप असाइलम करना है तो कार्लसरुहे जाओ, और कार्लसरुहे जाने के बाद कार्लसरुहे ये भाई न्यू है ना, तो अभी ठीक से थोड़े से सिटीज़ के नाम नहीं ले पा रहे, लेकिन ऐसा ऐसा तो इनकी जर्मन एक साल बाद इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छी। अच्छा। हाँ, तो कार्लसरुहे में गए, उसके बाद दो दिन हमें लगे वहाँ पे असाइलम करने में। उन्होंने हमसे नाम पूछा कहाँ से आए, तो हमने सब कुछ बोल दिया, तो उन्होंने हमको एक कमरा दिया जिस कमरे में चार लोग रह रहे थे। okay. उसके दो दिन बाद उन्होंने हमको एक कार्ड दिया जिसको फूड कार्ड कहते हैं, जहाँ से हमको फ्री फूड मिलता था। उसके बाद कुछ सप्लाईज मिलते थे, जैसे कि टूथपेस्ट हुआ, ये सब कुछ चीज़ें वो हमको प्रोवाइड करते थे। दो दिन बाद हमको ट्रांसफर किया हाइडलबर्ग में। हाइडलबर्ग में, तो देखें जी, कार्लसरुहे एक बहुत बड़ा कैंप है उनका डॉयचलैंड में, जर्मन में, जिन लोगों ने असाइलम करना होता है। जैसे कि मैंने भाई को पहले ही बता दिया था कि आप कार्लसरुहे जाएं, ठीक है, उसके बाद फिर वो आपका इंतरादा करते हैं, मेन के वो आपका नाम पता लिखते हैं, एक एक चीज़ आपकी मेल्डिंग करते हैं, जर्मन में हम इसको मेल्डिंग करना बोलते हैं। तो जनाब, वो आपकी एक एक चीज़ लिखत परत, आपका नाम पता, ये वो, आपने सच्चा नाम देना है, झूठा नाम देना है, एक एक चीज़ आपकी वो लिखत परत करते हैं। तो कार्लसरुहे के बाद इनका ट्रांसफ़र डाल दिया हाइडलबर्ग में। तो हाइडलबर्ग के बाद क्या हुआ, कितने दिन वहाँ पे रहे? हाइडलबर्ग में हमको सबसे पहले तो उन्होंने सेम प्रोसेस फॉलो की, उसके बाद हमारे फिंगर्स ले लिए, हमारा रूट कौन सा था, कहाँ से आई, वो सब पूछा। फर्स्ट इंटरव्यू हुआ दो दिन बाद, उसके बाद एक महीने बाद हमको वहाँ से ट्रांसफ़र दूसरे कैंप में किया। दूसरे कैंप में ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ पे तो कोई नहीं था, हम दोनों ही इंडियन थे। हाँ। उसके बाद इंडियन फैमिलीज भी वहाँ पे थी। तो उसके बाद हमको एक महीने बाद उन्होंने हाइडलबर्ग का कैंप कैसा था लोगों को बता दे, खाने पीने का क्या सिस्टम होता है, क्योंकि कुछ हमारे इंडियन भाई जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इवन मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मैं कदर करता हूँ, कुछ इंडियन भाई कहते हैं क्या वहाँ पे वेज खाना मिलता है, क्योंकि कुछ आपके इंडियन लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं, वो शवाइन वगैरह या पोक वगैरह भी नहीं खाते, चिकन भी नहीं खाते, तो ये भी बता दें। हाँ, वहाँ पे दो टाइप के फूड होते हैं, नॉन वेज वेज, जिनको वेज खाना है उनका अलग फूड होता है, और जो नॉन वेज खाना चाहते हैं उनका अलग होता है। जो आप जब भी आप कैंटीन में जाते हो तो आपको बोलना पड़ता है आपको वेज चाहिए नॉन वेज चाहिए, और वहाँ का वो स्टाफ बहुत बढ़िया है और उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है। खाना बहुत अच्छा मिलता है, उसके बाद पैसे भी मिलते हैं। पैसे आपके कितने मिलते हैं, क्योंकि अभी आपकी आप हाइडलबर्ग में थे, क्योंकि जब तक आपकी क्राइस नहीं ना डलती, क्राइस क्या है कि मेन वो आपका एक पक्की जगह पे ट्रांसफर जब डाल देते हैं तो उसको हम क्राइस बोलते हैं,
ठीक है, मतलब कि आपको वो एक छोटा सा घर वगैरह या वोनंग वगैरह या अपार्टमेंट वगैरह दे देते हैं, तो वो आपका पक्का ट्रांसफर होता है, उसको आप किराए से बोलते हैं। तो जब आपकी किराए नहीं डली थी तब आपको कितने पैसे मिलते थे? सबसे पहले हमें मिले थे 180 रुपए, 180 यूरो बोलते हैं। आप अकेले को या आपके दोस्त? अकेले को। आप वन बंदा? ओके। पर हेड 180 मिले, वो मिले हमें 15 दिन में, जिससे हम इंडियन शॉप में जाके कुछ भी खरीद सकते थे, जैसे पिकल हुआ, कुछ भी चीज खरीद सके, अंदर ला सकते थे। ये आप हाइडलबर्ग में ही थे अभी? यस, हाइडलबर्ग। हाइडलबर्ग मेन सिटी में, मेन स्टार्ट में। क्या बात है यार। उसके बाद वो जिनके पास कुछ पहनने के लिए कपड़े वगैरह नहीं, तो वो कपड़े भी फ्री में। क्या बात है। अभी आप ये बता दें कि आप हाइडलबर्ग के कैंप में कितनी देर रहे और वहाँ से आप कितनी देर बाद आपका ट्रांसफर हो गया एसलिंगन में, ये बताएं आप। हम हाइडलबर्ग में 1 मंथ रहे, वहाँ पे अकोमोडेशन एक्सलेंट है, मतलब जो जर्मनी अकोमोडेशन देता है, जो भी जहाँ के रहने के लिए देता है, वो 5-star होटल कमरे से भी बहुत अच्छा है। क्या बात है, क्या बात। और इंडिया से तो बहुत अच्छा है, जैसे हम घर में रहते घर से भी बहुत अच्छा है। उसके बाद एक महीने इंडिया इतना अच्छा है। अच्छा अच्छा करो बताओ। और उसके बाद मेन कहने का मतलब है कि यहाँ पे सहूलत प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा सिस्टम होता है जर्मन में। अच्छा आप बताएं कि हाइडलबर्ग से आप कितनी देर में आपका ट्रांसफर एसलिंगन में हो गया? तो जी हमारा हाइडलबर्ग में 1 महीना का अकोमोडेशन था, उसके बाद उन्होंने हमें सेकंड कैंप में ट्रांसफर कर दिया टुबिंगन में। टुबिंगन में भी कैंप में? हाँ, 1 महीना रहे और उसके बाद डायरेक्टली हमको उन्होंने किराए दे दी। वाह क्या बड़ी बात। के पास है और स्टुटगार्ट में, जैसा कि हम अभी स्टुटगार्ट में है, असलिंगन यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। तो जनाब मेन सिटी में इनको किराए से इनका घर मिल गया और ये बहुत अच्छी बात है, इनको वोनिंग मिल गई है। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जनाब, इनकी पूरी स्टोरी क्या है। ये पहले गए हैं कार्लसरुहे, कार्लसरुहे के बाद ये गए हैं हाइडलबर्ग, हाइडलबर्ग 1 महीने के बाद यहाँ है ट्यूबिंगन, ट्यूबिंगन कैंप के बाद इनकी क्राइस डली है एसलिंगन में स्टुटगार्ट के पास। और अभी आपके पास सब कुछ है, अभी आप हैप्पी हैं? ये एकदम हैप्पी हूँ। और ये सब कुछ हुआ है सलमान भाई की हेल्प। थैंक यू क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की है और बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। वेलकम। अच्छा आप ये बता दें, जो नए नए लोग जर्मन में आ रहे हैं, क्या वो असाइलम कर सकते हैं या नहीं? यस कर सकते, कोई कुछ भी बोले, क्योंकि लोग डराने का धमकाने का काम करते हैं। मतलब कि लोग बोलते हैं कि असाइलम नहीं होगा, आपका रिजेक्ट होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब नसीब की बात है। नसीब की, असाइलम तो रिजेक्ट ही होता है जर्मनी में मोस्टली, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो लोग जर्मन में असाइलम करना चाहते हैं। तो प्रदीप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? यस, जाते जाते यही कहना चाहूँगा, उन्होंने हमको 400 यूरो पर हेड अभी दे रहे हैं, वो अभी हमको उन्होंने ना हाउस वाइज भी दिया है और हमको अगले महीने से वो 400 यूरो भी दे रहे हैं। 400 यूरो देंगे अगले महीने से। और ये कहने की बात है कि अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होता है जर्मनी में असाइलम के बारे में, अगर असाइलम होने के बाद भी, तो वहाँ पे एक सोशल सर्विस ऑफिस से कार्यदार, उनके पास जाके अपना प्रॉब्लम शेयर करके आपको वहाँ से 100% हेल्प मिलेगी। तो जी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको होप कि मैंने एक एक चीज़ गाइड कर दी है, और अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी प्रदीप डांके शून, थैंक यू सो मच आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। और जनाब आई लव यू ऑल, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।